नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बड़ी खबर, जरूरी खबर और इस वक्त पूरे देश की नजरें जिस खबर पर टिकी हुई है उससे शुरुआत करेंगे। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। जो बाइडेन का दौरा ऐसे वक्त में है जब इजराइल पर हमास और हिजबुल्ला लगातार ही बेहद घातक और अचूक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन धमाकों की आवाज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कानों तक में गूंजी है और उन्होंने जान बचाने के लिए बंकर का सहारा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले इजराइल को अमेरिकी सेना ने अभेद किले में तब्दील कर दिया। इस वक्त जब इजराइल में किसी भी दिशा से कोई भी मिसाइल दस्तक दे रही है, किसी भी हथियार की ताकत इजराइल के जवानों को टारगेट कर रही है, जब हमास की अचूक मिसाइलों के निशाने पर तेल अवीव है, जब हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल फतेह की कसम खाई है, ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला किया। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेतन्याहू पहले भी इजराइल यात्रा के लिए बुला चुके हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन का प्लेन कभी भी इजराइल की जमीन पर लैंड कर सकता है। इजराइल हमास के बीच छिड़ी इस जंग में इजराइल को अमेरिका सैन्य और वित्तीय मदद पहुंचा रहा है, तो इजराइल के साथ संबंध रखने वाले बाकी देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसराइल में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद सुपर पार ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिकों के हत्यारों को इस जमीन पर रहने नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद को इसराइल में जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, हमास का वजूद मिटा दिया जाएगा। President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. बाइडेन का ऐसे वक्त में इजराइल जाना खतरे से खाली नहीं है, जब हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक को बंकर में छिपना पड़ा था। इसलिए बाइडेन के साथ आ रहा है 2000 कमांडोज का वो कवच, जो न सिर्फ बाइडेन और उनके अधिकारियों को सुरक्षा देगा, बल्कि संकट काल में इसराइल के लोगों के लिए भी ढाल बनेगा, जो जंग के मैदान में रक्षक बनेगा, इमरजेंसी में स्वास्थ्य कर्मी बनेगा और जो विस्फोट की स्थिति में हालात को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। दो हजार कमांडोज की ये पलटन बाइडेन के साथ ही इसराइल में लैंड करेगी या फिर बाद में, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन कमांडोज को 24/7 तैयार रहने के आदेश जरूर मिल चुके हैं। बाइडेन के बुधवार को इसराइल पहुंचने की बात कही जा रही है। बाइडेन के पहुंचने से पहले ही इसराइल को तीनों तरफ से अमेरिकी नौसेना के उस ब्रह्मास्त्र ने कवर कर लिया है, जिस पर हमास का न तो अटैक काम आएगा न ही कोई मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर पहुँच चुका है। अमेरिकी नेवी के बेड़े के मुताबिक यूएसएस कार्टर हॉल और यूएसएस बाटन युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है और अब यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को
पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया गया है। आइजनहावर यूएसएस गेराल्ड R4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही इसराइल के पास मौजूद है। President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ आ गए हैं। एक ओर जहां हमास को ईरान समेत कई इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इसराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश हैं। बाइडेन भी अब इसराइल पहुंच रहे हैं और इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन को तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक बाइडेन इसराइल के जमीन पर हैं। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन जॉर्डन, फिर मिस्र और बाद में फिलिस्तीन के लिए रवाना होंगे। जंग खतरनाक होती चली जा रही है और सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब गाजा और पूरा इजरायल और फिलिस्तीन दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे असुरक्षित इलाका बना हुआ है, तो फिर ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव जाने की जोखिम क्यों उठा रहे हैं? अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बाइडेन के इतने जोखिम भरे दौरे के लिए राजी क्यों हुई है? और सवाल का जवाब देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा पर फाइनल अटैक में देरी क्यों? नेतन्याहू को हमले से किसने रोका? जमीनी अटैक पर बाइडेन ने लगाया ब्रेक। इसराइल और हमास की जंग के बीच में सुपर पावर अमेरिका ने तेल अवीव में खूंटा गाड़ रखा है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इसराइल पहुंचे हैं। वो खाड़ी देशों की यात्रा करने के बाद इसराइल पहुंचे हैं, यानी युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता तैयार करने की कोशिश में है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये जंग अब आगे ना बढ़े और किसी तरह से इसराइल और हमास में समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ब्लिंकन के कहने पर रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि आनंद फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल अवीव पहुंचने का कार्यक्रम रख लिया। ब्लिंकन की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो नेतन्याहू को रोकने के लिए जो बाइडेन को जंग के बीच में इसराइल पहुंचने की योजना बनानी पड़ी। अमेरिका के लिए इस समय सबसे जरूरी है हमास के पास बंधक बनाए गए अमेरिकियों और विदेशियों को सुरक्षित बाहर निकालना। यही वजह है कि इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचने का फैसला किया। बाइडेन उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं जहां पर हर रोज रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, जहां पर ब्लिंकन को भी बम शेल्टर में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी, जहां हमास की मिसाइल आसमान में लगातार पहुंच रही है। और मंगलवार को तो इसराइल की संसद से नेतन्याहू और येर लैपिड समेत सभी सांसदों को भागना पड़ा।